हेलो, माय नेम इज आशीष शर्मा फ्रॉम एम्पलीट्यूड क्लासेस जयपुर एंड दिस इज़ अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड इन शॉर्ट वी कॉल इट OPMP। अच्छा, आप जो अपना लास्ट लेक्चर था उसके अंदर अपने इसकी थोड़ी सी बेसिक चीज़ें डिस्कस की कि क्या होता है OPMP, ठीक है। और एक अपने जो है डिस्कस कर लिया था वर्चुअल ग्राउंडिंग कॉन्सेप्ट VGC। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए, क्योंकि VGC इज़ रियली रियली इम्पोर्टेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे जो स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिक OPMP से स्टार्ट कर रहे हैं, इन्वर्टिंग OPMP एंड नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो जैसे अपन स्टार्ट करते हैं इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या होगा कि जो इनपुट होगा, जो इनपुट वोल्टेज होगा, वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अपन लगाएंगे। तो देखो, जैसे ये अपना क्या है, OPMP के लिए सिंबल होता है नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। और यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी कि अपन नेगेटिव को इन्वर्टिंग क्यों कह रहे हैं और पॉजिटिव को नॉन इन्वर्टिंग क्यों कह रहे हैं, ये चीज़ भी क्लियर यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने इनपुट वोल्टेज लगाया है और इसको अपन ने कर दिया है ग्राउंडेड। मान लो ये रेजिस्टेंस है R और ये हो गया फीडबैक रजिस्टर RF, और यहाँ पे अपने पास है वी नॉट। तो ये जो सर्किट डायग्राम है ये किसके लिए है, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए है। मतलब यहाँ पे जो इनपुट है वो कहाँ से दे रहा हूँ मैं, नेगेटिव टर्मिनल से, यानी कि इन्वर्टिंग टर्मिनल से दे रहा हूँ। इन्वर्टिंग क्यों कह रहे हैं वो भी अभी अपन डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब ये देखो मैंने डायरेक्ट ग्राउंड कर दिया। हो सकता है कई बार एग्जाम में या कुछ बुक्स के अंदर आपको यहाँ पे क्या दे दिया जाए, एक रजिस्टर दे दिया जाए, यहाँ पे भी एक रजिस्टर दे दिया जाए, जैसे मैं R लिख देता हूँ या R1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना इस रजिस्टर से यहाँ कुछ चीज़ें नहीं बदलने वाली है। ऐसा क्यों, चीज़ें क्यों नहीं बदलने वाली उसकी बात करते हैं। तो आपको क्या चीज़ याद रखना है कि जो इसका इनपुट इम्पीडेंस होता है वो बहुत हाई होता है, और जब तक आपको दिया नहीं जाए क्वेश्चन के अंदर कि जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है प्रैक्टिकल है और इसका जो ओपन लूप गेन है वो इन्फिनिटी नहीं है, तब तक आपको इन्फिनिटी लेकर ही चलना है। मतलब आपको इसको क्या मान के चलना है, आइडियल मानकर ही चलना है। और अगर आपको आइडियल मान के चलना है तो ओपन लूप गेन कितना होगा, ओपन लूप गेन कितना होगा, ए नॉट एल विल बी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, एंड सेम इनपुट इम्पिडेंस कितना होगा, इनपुट इम्पिडेंस भी कितना होगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है कि इसका अगर इनपुट इम्पिडेंस बहुत ज़्यादा हाई है तो आप यहाँ से कंक्लूजन जो निकलेगा वो कंक्लूजन क्या निकलेगा, दैट नो करंट ड्रॉन इनसाइड द OPMP, इनसाइड द OPMP, मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगा। अब अंदर कोई करंट नहीं जा रहा है तो देखो, अगर यहाँ से अंदर कोई करंट नहीं जा रहा है इसका मतलब इस ब्रांच के अंदर क्या नहीं है, करंट नहीं है। और अगर करंट नहीं है तो क्या R1 पे कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा, नहीं, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। इसका मतलब R1 आप लगाओ तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं लगाते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कुछ बुक्स के अंदर या फिर एग्ज़ाम के अंदर आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए कई बार R1 देता है कई बार नहीं देता है, तो इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है। क्यों, क्योंकि कोई करंट अंदर जाने वाला ही नहीं है। अब करंट जब अंदर जाने वाला नहीं है इसका मतलब इस पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। अब अगर रजिस्टर पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा तो उसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब जब एक और चीज़ ध्यान रखना, जब VGC अपन अप्लाई करते हैं तो ये देख लेना है कि नेगेटिव फीडबैक है या नहीं है। तो देखो नेगेटिव फीडबैक तो है, ठीक है। फिर ये देख लेना है कि जब आप कैलकुलेट करो VGC लगा के तो जो आउटपुट है वो इन DC सप्लाई से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, प्लस VCC एंड माइनस VCC। जैसे अगर मान लो 10 वोल्ट दे दिया सप्लाई तो आउटपुट जो वो 10 वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। और अगर आपको ये VCC नहीं दिया गया है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब मेंशन ही नहीं किया गया तो आप बेझिझक होकर आगे बढ़ सकते हो। नेगेटिव फीडबैक है तो आप क्या लगा सकते हो, डायरेक्ट VGC एप्लीकेबल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ये VCC मेंशन कर दिया है
तो VGC लगाने के बाद भी आपको केयर करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आउटपुट आपका इनसे ज़्यादा तो नहीं आ गया है। अगर आउटपुट ज़्यादा आ गया है तो क्या होगा भैया, जो VGC है वो एप्लीकेबल नहीं होगा और जो आपका आउटपुट होगा वो सैचुरेटेड वोल्टेज के बराबर आएगा, और सैचुरेटेड वोल्टेज नथिंग बट VCC, ठीक है, प्लस माइनस VCC आएगा। ये डिपेंड करता है कि इनपुट किस टर्मिनल पे है, तो वैसे क्वेश्चन भी अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ओपन लूप गेन इन्फिनिटी हो गया, इनपुट इम्पिटेंस इन्फिनिटी होगा, तो ये क्या कह रहा है कि नो करंट ड्रॉन इनसाइड, तो ये R1 यहाँ पे लगाओ से मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब ये आपके समझ में आ गया। अब VGC क्या कहता है कि अगर यहाँ जीरो है वोल्टेज, ये ग्राउंडेड है, यहाँ जीरो है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट ए है और मान लो ये पॉइंट बी है, तो जो VA है VA भी क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि कोई करंट नहीं है, यहाँ जीरो तो यहाँ पर भी जीरो, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद वर्चुअल ग्राउंडिंग कॉन्सेप्ट क्या कहती है, फ्रॉम वर्चुअल ग्राउंडिंग कॉन्सेप्ट VA क्या होगा, बराबर होगा VB के, बोलो, ठीक है। ये क्या हो गए, इंटरनल टर्मिनल हो गए, ध्यान रखना इनके आगे कोई रजिस्टर वगैरह नहीं होना चाहिए जब आप बराबर करो, ऐसे मत कर देना कि इस वोल्टेज को इसके बराबर कर दो, नहीं ऐसा नहीं होगा, मतलब इनके आगे कोई एलिमेंट, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट नहीं होना चाहिए, लास्ट एकदम एज पे जो है VGC लगता है, ठीक है। तो VA बराबर VB है, मतलब कितना हो गया, जीरो हो गया, मतलब यहाँ पे आपका VB पे वोल्टेज कितना आ गया, जीरो आ गया। इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या लगाना है, किरचॉफ करंट लॉ लगाना है, क्या लगाना है, KCL लगाना है। तो KCL क्या कहता है कि आने वाले करंट जाने वाले करंट के बराबर, ठीक है। तो KCL आप उस तरीके से भी लगा सकते हो, आने वाले करंट जाने वाले करंट के बराबर। सर्किट थ्योरी पढ़ लो, सर्किट थ्योरी मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की है, और मैंने उस टाइम भी कहा था अगर आपको सर्किट थ्योरी नहीं आती है भैया तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे एनालॉग में कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो सर्किट थ्योरी आना ज़रूरी है। तो आने वाले करंट जाने वाले करंट के बराबर कर लो, या फिर डायरेक्ट मैंने KCL डायरेक्ट अप्लाई करना भी सिखाया था, तो मैं फिलहाल दोनों से बता देता हूँ। मान लो मैं इस करंट को कितना मान लेता हूँ I1, और ये जो आगे करंट गया ये कितना है I2, ठीक है। अब ये जो नोड है, एट नोड ए, सॉरी नोड बी है, ये तो ये है एट नोड बी, अंदर देखो इसके अंदर तो कोई करंट जा नहीं रहा है, इसका मतलब I1 आया और I2 चला गया, इसका मतलब I1 किसके बराबर हो गया, I2 के बराबर हो गया, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको करंट लिखना सिखाया था कि करंट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, VI से ओरिजिनेट हुआ, माइनस कहाँ पे गया वो लिखो, तो VB पे आया, VB कितना है, जीरो है, चलो बाद में रख देंगे, एंड डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू I2। देखो करंट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, VB से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ को गया, वी नॉट को गया, इस टर्मिनल पे वी नॉट है, एंड डिवाइडेड बाई RF, वी भी जीरो है, तो यहाँ से आ गया VI डिवाइडेड बाई R इक्वल्स टू माइनस वी नॉट अपॉन RF, और अगर मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ तो मैं इसको वी नॉट अपॉन VI, मतलब VI इधर आ जाएगा, RF इधर आ जाएगा, नेगेटिव भी इधर ले आता हूँ, तो मैं यहाँ क्या जाएगा, माइनस RF अपॉन R1, तो वी नॉट अपॉन VI क्या है, गेन, और अपन गेन ही अपने को कैलकुलेट करना था, तो इन्वर्टिंग के लिए गेन कितना आ गया, गेन कितना आ गया, माइनस RF अपॉन R, ये R R था, सॉरी R1 नहीं है ना, R है, है ना, R से डिनोट किया था मैंने इसको, ये वाला रेजिस्टेंस R1 तो ये है, ठीक है। तो माइनस RF अपॉन R, तो बताओ गेन निकालने में कोई प्रॉब्लम आई हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अब इसको इन्वर्टिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि तो आपको पता है रेजिस्टेंस तो नेगेटिव हो नहीं सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, रेजिस्टर है, तो इसका मतलब जब भी मैं कुछ भी वैल्यू ले लूँ, जैसे ये 100 किलो ओम ले लूँ या 500 किलो ओम ले लूँ, 500 किलो में ये 100 किलो ओम है, तो गेन कितना हो जाएगा, 500/100, 500/100, मतलब 5 हो जाएगा, तो गेन कितना हो जाएगा, वी नॉट अपॉन वी आई माइनस 5 हो जाएगा, तो आउटपुट कितना आ जाएगा, -5 VI, मतलब अभी माइनस क्या बता रहा है, 180 का फेज बता रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कितना फेज आ रहा है, कितना फेज डिफरेंस आ गया, 180 डिग्री का, 180 डिग्री मतलब इन्वर्ट हो गया, मतलब अगर आपने इस तरीके से जो है अगर इनपुट दिया तो आउटपुट आपको कैसा मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, बढ़ भी गया, एम्पलीफाई भी हो गया, जैसे 5 गुना हो गया, ठीक है, और 180 डिग्री का फेज आ गया, माइनस ये तो बता रहा है, जब पॉजिटिव है तो माइनस, जब नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो देखो ये क्या कर रहा है,
आउटपुट जो है इसका वो इनपुट के कंपैरिजन में इन्वर्ट हो गया है, 180 डिग्री का फेज आ गया है। इसीलिए अपन इसका क्या कह रहे हैं, इन्वर्टिंग ओपीएमपी कह रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए क्योंकि अपने इनपुट कहाँ दिया था, नेगेटिव पे दिया था, और नेगेटिव पे देने की वजह से इन्वर्ट कर रहा है, इसीलिए जो नेगेटिव टर्मिनल है, इस नेगेटिव टर्मिनल को इसीलिए क्या कह देते हैं अपन, इन्वर्टिंग टर्मिनल भी कह देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको देखो डायरेक्ट करना बता देता हूँ, ये अब इस तरीके से नहीं करेंगे अपन, आने वाले करंट जाने वाले करंट के बराबर, ठीक है, क्योंकि करंट अज्यूम करना पड़ता है, करंट की अपनी को जरूरत ही नहीं पड़ती ओ पी एम पी में। तो देखो इसको किस तरीके से जो है अपन सोल्व करेंगे। आप कोई भी नोड ले लो, जब भी जिस भी नोड पे आपको लगाना है, जैसे आपको बी पे लगाना है, आप जितनी भी ब्रांचेज हैं जिनमें करंट जा रहा है उनकी सारी वोल्टेज इसमें से घटा के लिखो। जैसे बी ले लिया मैंने नोड बी पे, तो वी बी माइनस, इधर आया तो कौन आया, वी आई आया, वी बी माइनस वी आई डिवाइडेड बाई कौन आ गया, आर प्लस, एक ही तरफ रखना है इनको सबको ना, बराबर नहीं करना, प्लस। दूसरी ब्रांच ये वाली है, तो देखो सारे मैं वी बी में से घटा रहा हूँ, वी बी माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई आर एफ। क्या और कुछ बचा, क्या नहीं बचा, क्यों, क्योंकि इधर तो करंट जाएगा ही नहीं, इतना ही, बराबर जीरो रख दो। तो जितनी भी ब्रांचेज हैं उनको सबको वी बी में से ही घटा के लिखो। तो इसको आप सोल्व करोगे आगे, तो आप सोल्व करके देखना, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, तो वी नॉट अपॉन वी आई इक्वल टू, वही सेम रिजल्ट आएगा, माइनस आर एफ अपॉन आर। तो अब अगर आगे मैं क्या करूँगा, इस तरीके से जो है केसीएल यूज़ करूँगा, मैं बार बार इस करंट नहीं बनाऊँगा, ये आई वन है, ये आई टू है, ये आई थ्री है, इस तरीके से मैं नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट नोड इस तरीके से एनालिसिस करूँगा। तो ये हो गया आपका इन्वर्टिंग ओपीएमपी, ठीक है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं नॉन इन्वर्टिंग ओपीएमपी की, तो मैं इसको मिटा लेता हूँ। अच्छा, अब ये ध्यान रखना कि जो गेन वगैरह है ये आप याद भी रख सकते हो कि भैया इन्वर्टिंग के लिए कितना होता है, फीडबैक रजिस्टर डिवाइडेड बाय इनपुट रजिस्टर, जो इनपुट वोल्टेज के साथ जो कनेक्टेड है उसको आप कह सकते हो, ठीक है, वरना आप निकाल भी सकते हो, निकालने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन एटलीस्ट इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का आप याद रख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, नॉन इन्वर्टिंग ओपीएमपी। तो देखो भाई, तो ये इसका नाम क्या है, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इसके अंदर जो अपन इनपुट सिग्नल देंगे वो कहाँ देंगे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देंगे, नॉन इन्वर्टिंग मतलब पॉजिटिव टर्मिनल पे देंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो भैया इनपुट अपन यहाँ दे रहे हैं इस बार, ये लो, और इसको ग्राउंड कर देते हैं, ये हो गया आर, ये फीडबैक कनेक्ट हो गया यहाँ से, ये लो भाई ये आर एफ और ये आउटपुट। तो इस बार देखो मैंने इनपुट कहाँ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल पे दे रहा हूँ, तो पॉजिटिव टर्मिनल को क्या कहते हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप इसके ऊपर इनपुट अप्लाई करते हैं तो जो आउटपुट होता है वो इनपुट के साथ फेज में होता है, यानी दोनों इन फेज होते हैं, कोई फेज डिफरेंस नहीं आता है, फेज डिफरेंस जीरो रहता है, इसीलिए इसको नॉन इन्वर्टिंग ओपीएमपी कह देते हैं। और क्योंकि ये पॉजिटिव पे देने से नॉन इन्वर्टिंग आ रहा है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं अपन, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कह देते हैं। अच्छा, आप देखो फीडबैक तो कौन सी है, नेगेटिव फीडबैक ही है, ठीक है, मैंने पहले लेक्चर के अंदर भी बता दिया था आपको, 100 में से 99 क्वेश्चन में क्या मिलेगा, 99 प्रॉब्लम्स में नेगेटिव फीडबैक मिलेगी, कि नेगेटिव फीडबैक में ही आइडियल ओपीएमपी का जो गेन है इन्फिनिटी पॉसिबल है, पॉजिटिव फीडबैक में गेन जो है वो इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक के क्वेश्चन भी अपन करेंगे, उनको किस तरीके से डील करेंगे उसकी भी बात करेंगे अपन, क्लियर है, ठीक है। तो ये आ गया अपना सेकेंड क्वेश्चन। तो देखो अब इसमें यहाँ पे वी आई है, इसका मतलब यहाँ पे भी वी आई है, और यहाँ पे वी आई है, इसका मतलब यहाँ पे भी कितना है, वी आई। तो मैं एक बार के लिए इसको पॉइंट ए मान लेता हूँ, ठीक है। तो फ्रॉम वर्चुअल ग्राउंडिंग कॉन्सेप्ट, वी ए कितना आ गया भैया, वी आई आ गया, बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो, नहीं होगी। अब अप्लाई कर दो क्या, के सी एल अप्लाई कर दो, अप्लाई के सी एल, किरचॉफ करंट लॉ एट नॉट ए इस पे, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, वी ए जितनी भी ब्रांच सब इसमें से घटा के लिखो, इधर आओगे तो वी ए माइनस कौन है, ग्राउंडेड है, तो जीरो डिवाइडेड बाई आर, प्लस वी ए इधर आओगे तो वी ए माइनस
वी नोट डिवाइडेड बाई आर एफ इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि और कोई ब्रांच बची नहीं है जिसमें करंट जा रहा है, इसमें इधर तो करंट जाता ही नहीं है, नो करंट ऑन इन साइड। ठीक है, वी ए की जगह कितना रख दो, वी आई रख दो, तो ये हो गया वी आई अपॉन आर प्लस ये हो गया वी आई माइनस वी नोट अपॉन आर एफ इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको, वी आई अपॉन आर प्लस वी आई अपॉन आर एफ, क्योंकि ये जो आ रहा है फिर दोनों के साथ आ जाएगा, माइनस वी नोट अपॉन आर एफ इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है, यहाँ से वी आई कॉमन ले लो और इस टर्म को उस तरफ ले चलते हैं, तो क्या आ जाएगा, वी आई कॉमन लेने के बाद वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर एफ इक्वल्स टू वी नोट अपॉन आर एफ, तो ये कितना हो गया, वी आई आर प्लस आर एफ डिवाइडेड बाई आर इंटू आर एफ वी नोट अपॉन आर एफ। तो आर एफ से आर एफ कैंसिल हो गया, वी आई को उधर ले चलते हैं, तो ये वी नोट अपॉन वी आई कितना हो जाएगा, गेन आर प्लस आर एफ अपॉन आर, और वी कैन राइट वी नोट अपॉन वी आई इक्वल्स टू वन प्लस आर एफ अपॉन आर। तो ये देखो कोई नेगेटिव साइन आया क्या, नहीं आया, इसका मतलब जो आउटपुट है वो इनपुट के साथ फेज के अंदर है, मतलब फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस कितना है, जीरो है, इसीलिए इसको अपन क्या कह रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग कह रहे हैं, और जो फेज है वो जीरो है। कब आया, जब अपन ने पॉजिटिव टर्मिनल पे दिया, इसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ऑल्सो कैन बी टर्म्ड एज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। क्लियर है, ठीक है, तो ये आ गया किसके लिए गेन, वन प्लस आर एफ अपॉन आर किसके लिए गेन आ गया, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए। क्लियर है, चलो ठीक है, तो अब नेक्स्ट आगे करते हैं कुछ अपन ऑपरेशंस, जैसे अपन समिंग ऐड किस तरीके से कर सकता है ये उसकी बात करते हैं, क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज अ डीसी कपल्ड हाई वोल्टेज गेन एम्पलीफायर विच इज मेड अप ऑफ एटलीस्ट टू डिफरेंशियल एम्पलीफायर एंड मे परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, लाइन मैंने खत्म कर दी, आप एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देख लो। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट की बात करते हैं, किसकी, समिंग एम्पलीफायर की बात करते हैं, नाम ही सम है करना है तो ये क्या करेगा, ऐड करेगा, मतलब तो देखो किस तरीके से जो है ये काम करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, वी वन वी टू वी थ्री, आर वन आर टू आर थ्री, इसको ग्राउंडेड कर देते हैं अपन, नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड कराते हैं, ये आर एफ और ये आ गया आपका आउटपुट। तो अपने को वापस से एक कनेक्शन लाना है कि इनपुट और आउटपुट के बीच क्या कनेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तीन इनपुट सिग्नल है नेगेटिव टर्मिनल पे ही, मतलब किस पे, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, नेगेटिव कौन सा होता है, इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। ठीक है, तो देखो वर्चुअल ग्राउंडिंग कॉन्सेप्ट से, यहाँ पे अगर जीरो है तो यहाँ पे भी कितना वोल्टेज होगा, जीरो, अगर मैं इस नोड को ए मान लेता तो वी ए भी कितना होगा, जीरो होगा। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अप्लाई केसीएल, केसीएल एट ए, तो ए पे जब आप लगाओगे तो ये कितना आएगा, वी ए माइनस वी वन, यहाँ से देखो ये ब्रांच आई पहली, डिवाइडेड बाई आर वन प्लस वी ए माइनस ये वाली ब्रांच भी तो है, वी ए माइनस वी टू डिवाइडेड बाई आर टू, फिर नेक्स्ट प्लस वी ए माइनस वी थ्री डिवाइडेड बाई आर थ्री, तो देखो इसके तीनों ब्रांचेज हो गई। अब इधर चलो, इधर भी तो एक ब्रांच है, प्लस वी ए माइनस वी नोट अपॉन आर एफ इक्वल्स टू जीरो। अब वी ए कितना है, जीरो है, वी ए जीरो रख दो, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी, मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो वी वन अपॉन आर वन प्लस वी टू अपॉन आर टू प्लस वी थ्री अपॉन आर थ्री इक्वल्स टू, ये माइनस आएगा इधर, उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, वी नोट अपॉन आर एफ, तो यहाँ से जो अपना आउटपुट है वो कितना हो सकता है, माइनस आर एफ वी वन अपॉन आर वन प्लस वी टू अपॉन आर टू प्लस वी थ्री अपॉन आर थ्री। तो आपको लग रहा है क्या इसने ऐड कर दिया है,
अरे लग रहा है या नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है तो देखो बता देता हूँ। अगर आप आर वन, आर टू, आर थ्री और आर एफ की वैल्यू सेम ले लो, क्या ले लो, इफ आर वन बराबर हो आर टू बराबर हो आर थ्री और बराबर हो आर एफ के, तो यहाँ से तीनों की जगह आर एफ रखोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी नोट क्या आ जाएगा आपका, नथिंग बट वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। तो बताओ सम कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है ना, तो क्या अपन रेजिस्टेंस तो अपनी चॉइस से कुछ भी सेट कर सकते हैं। तो मतलब आपको ओपीएमपी क्या कर सकता है, सम भी कर सकता है, एडिशन भी कर सकता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने जैसे ही ये वाली कंडीशन अप्लाई की तो ये समिंग बन गया, यहाँ तक आपको नहीं लग रहा था कि समिंग है। अब मान लो अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई मेरे को तो एवरेज ओपीएमपी चाहिए, जो एवरेज कर रहा हो, क्या कर रहा हो, औसत निकाल रहा हो, जो एवरेज कैलकुलेट कर रहा हो, तो सवाल ये है कि मैं किस तरीके से इन रेजिस्टेंस को सेट करूँ कि क्या निकाल दे, एवरेज निकाल दे, क्या निकाल दे, एवरेज निकाल दे। तो आपको क्या करना है, टाइम स्टैम्प ऐड करके फिर आंसर करना है कि मैं क्या कंडीशन लगाऊं, ठीक है। बाकी जवाब मैं दे देता हूँ। एवरेज क्या होगा भाई, तीन इनपुट वोल्टेज थे डिवाइड बाई थ्री, तो यहाँ पे डिवाइड में कितना जाना चाहिए, थ्री आ जाना चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा, एवरेज बन जाएगा। तो डिवाइड में थ्री कब आ सकता है, डिवाइड में थ्री कब आ सकता है, जब आर वन बराबर हो आर टू बराबर हो आर थ्री के, ठीक है। लेकिन आर एफ की वैल्यू कितनी हो, आर एफ अगर इनके बराबर हो गया उस केस में तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा, अपने को नीचे थ्री चाहिए, अपने को क्या चाहिए, नीचे थ्री चाहिए। तो इसका मतलब है ये तीनों बराबर हो जाएं, और किसके बराबर हो जाएं, ये थ्री टाइम्स ऑफ आर एफ के। तो जैसे ही आप इसको थ्री टाइम्स ऑफ आर एफ करोगे तो यहाँ थ्री आर एफ, यहाँ थ्री आर एफ, यहाँ थ्री आर एफ, तो आर एफ कैंसिल हो जाएगा, तीनों के साथ थ्री आएगा, तो आपका आउटपुट किस तरीके से आ जाएगा, माइनस ऑफ वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री एंड डिवाइडेड बाई थ्री। बोलो आया नहीं आया समझ में? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप इस एम्पली ओ पी एम पी को समिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो और एवरेज में कैसे कनेक्ट कर सकते हो। मान लो अगर यहाँ पे दो ही रेजिस्टेंस होते आर वन आर टू, तो यहाँ पे अपन क्या कर देते, आर वन इक्वल्स टू आर टू इक्वल्स टू टू आर एफ कर देते। अगर यहाँ पे चार होते, चार का एवरेज लेना है, तो यहाँ इक्वल्स टू फोर आर एफ कर देते। समझ में आ रही है बात, ठीक है। एक बार मैं फ्रेम देख लेता हूँ। ओके एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। तो आपको ये जो है समिंग और एवरेज समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप बताना, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन दोबारा डिस्कस कर लेंगे, क्लियर है, ठीक है। अब अपन कुछ आगे बढ़ते हैं। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, और आपको भी अगर कोई प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम है, ठीक है, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की किसी असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम है ओपीएमपी पे बेस्ड, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दो या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे जो है सेंड कर दो, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन उनको क्या कर लेंगे, कंसिडर कर लेंगे, क्लियर है, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। तो प्रॉब्लम है, ये है भैया वी आई, ठीक है, ये 100 किलो ओम, ये 450 किलो ओम, ठीक है। यहाँ एक और रजिस्टर है जो ग्राउंडेड है, यहाँ टच नहीं है, सिर्फ रजिस्टर, और ये जो रजिस्टर है ये है 100 किलो ओम, और आगे ये भी भैया कितना है, 100 किलो ओम है, उसके बाद ये वी नोट पे जाके कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे पूछा गया है फाइंड द गेन, क्या निकालना है, गेन निकालना है इस सर्किट के लिए, इस ओपीएमपी के लिए, मतलब वी नॉट अपॉन वी आई की वैल्यू कैलकुलेट आपको करनी है, ठीक है। तो देखो अब हो सकता है आपको जैसे अब तक के प्रॉब्लम, तो जैम के स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले ओपीएमपी नहीं पढ़ा है तो उनको थोड़ा सा टिपिकल लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना, आप प्रैक्टिस करो, देखो आप जब तक चीज़ें बोर्ड पे होती हैं या बुक खुली होती है ना, तब तक सब कुछ समझ में आता है, उसको बंद करके खुद से करने की कोशिश करो, अपने ब्रेन को डेवलप करो, है ना। जब तक खुद को डेवलप नहीं करोगे तब तक देखो कोई, या मैं भी ऐसे नहीं हूँ, जादूगर नहीं हूँ, कोई नहीं है जादूगर कि कोई आपको चुटकी बजाएगा आपको याद हो जाएगा या आप सवाल कर दोगे,
तो आपको खुद को क्या करना पड़ेगा, खुद को शार्प करना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। तो आप खुद से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम करने की कोशिश किया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा देखो शुरुआत में कर। देखो अभी एग्ज़ाम क्या है, नवंबर में होने वाला है, जैम का एग्ज़ाम फेब में होगा, गेट का भी फेब में होगा, तो देखो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तो शुरुआत के अंदर क्या होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम कम रहता जाएगा कन्फ्यूजन बढ़ता चला जाएगा। जिनको सिलेक्शन नहीं लेना उनको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जिनको सिलेक्शन के लिए जो लोग सीरियस हैं उनको एक डाउट आने लग जाएगा मन में, ऑसिलेट होने लग जाएगा कि यार मेरी तैयारी है या नहीं है, है या नहीं है। आप 5-5 घंटे पढ़ोगे लेकिन फिर एक प्रॉब्लम करोगे, अगर वो प्रॉब्लम नहीं हुई गलती से तो आपको वापस से डाउट हो जाएगा यार अपनी तो प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन टेस्ट कहीं ज्वाइन कर रखा है, दोस्त के ज़्यादा नंबर आ गए, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो लास्ट में जाके आपको डिमोटिवेशन के बहुत सारे जो है रीज़न मिल जाएंगे, फिलहाल कोई रीज़न नहीं है। तो फिलहाल फुल पोटेंशियल के साथ जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, ये कभी मत सोचो कि ये टॉपिक मेरा अभी क्लियर नहीं है, मैं एग्ज़ाम टाइम में क्लियर कर लूँगा। एग्ज़ाम टाइम में कुछ भी क्लियर नहीं होगा, याद रखो, सिर्फ आप रिवाइज कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप नया कुछ पढ़ ही नहीं सकते एग्ज़ाम टाइम में, इतना प्रेशर आ जाता है अगर आप सीरियस हो तो, है ना। अदरवाइज जो सीरियस नहीं है, जो मज़े ले रहा है, उसके लिए तो चाहे कल एग्ज़ाम ले लो, चाहे 6 महीने बाद ले लो, 1 साल बाद ले लो, उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, खुद से प्रैक्टिस करो। तो देखो यहाँ पे अपन आते हैं, तो देखो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर भी, कॉन्सेप्ट पे फोकस रखो आप, ठीक है। कॉन्सेप्ट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे ऑटोमेटिकली क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो है आपने याद होती चली जाएंगी। ये ग्राउंडेड है, तो यहाँ कितना है वोल्टेज, 0 है, यहाँ 0, तो अगर मैं इसको नोड ए मान लूँ तो फ्रॉम वर्चुअल ग्राउंडिंग कॉन्सेप्ट फ्रॉम VGC VA कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये नोड है, लेकिन इसके बाद यहाँ दोबारा ये दूसरा नोड आ गया भाई, क्योंकि अब एक और ब्रांच बट गई ना भाई आगे। ब्रांच क्या होगी, आप मतलब इसके अंदर करंट सेम है, यहाँ से लेके यहाँ तक करंट सेम रहने वाला है, आगे जाके वापस करंट डिवाइड हो रहा है, तो ये दूसरा ब्रांच आ गया। आप ऐसे नहीं कर सकते कि इस ब्रांच को, पूरी ब्रांचेस को आप इग्नोर कर दो, नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नोड पता लगाने, नोड कितने हैं, तो आपको पता चल गया 2 नोड है, तो मतलब 2 जगह KCL लगेगा और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। लगाएं तो सबसे पहले मैं KCL लगाता हूँ, कहाँ पे, KCL एट नोड ए। बहुत ही सिंपलेस्ट टॉपिक है ये, सिंपलेस्ट टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट भी है ये। अगर आप सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना चाहते हो एनालॉग से तो क्या पढ़ो, OPMP पढ़ो, लेकिन बिना सर्किट थ्योरी के नहीं पढ़ सकते हो, तो सर्किट थ्योरी तो भाई बेसिक टूल है ना। हाँ, तो सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच से गेट दे रहे हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच से दे रहे हो, चाहे आप फिजिक्स से गेट दे रहे हो, चाहे नेट दे रहे हो, ठीक है, चाहे आप ITJM दे रहे हो, सारे एग्ज़ाम के अंदर OPMP आने ही वाला है, फिक्स है, आएगा ही आएगा। उसके बाद जो सेकेंड मोस्ट टॉपिक आता है वो होता है BJT, ठीक है। BJT के बाद फिर अगर आप जाओगे आगे तो फिर क्लिपर क्लैंपर या जीनर डायोड को जो है प्रायोरिटी देता हूँ मैं इस तरीके से, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है OPMP एनालॉग के अंदर, क्लियर है, ठीक है। तो KCL एट नोड ए, तो ये रहा भैया नोड ए, तो 2 ब्रांच है, एक ये और एक ये, तो VA- इस तरफ आऊँगा तो क्या आया, VI आया, एंड डिवाइडेड बाई 100 किलो ओम। अभी ध्यान रखना सारे या तो किलो ओम में हो या सारे ओम्स के अंदर हो, ठीक है ना, अलग अलग नहीं लेने हैं वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये हो गया VA, इधर जब मैं चला तो कौन आया, VB आया, VA- VB। VB मेरे को पता नहीं है, 0 मत कर देना यार, अगर यहाँ रजिस्टर होता तो भी यहाँ 0 होता, क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि अंदर करंट नहीं जाता है, लेकिन यहाँ 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है VB पे भी 0 होगा, क्यों, यहाँ तो करंट आ सकता है भाई, OPMP के अंदर नहीं जा सकता। मान लो अगर यहाँ रजिस्टर होता ना तो भी मैं यहाँ 0 ही करता, क्यों, क्योंकि अंदर कोई करंट जाएगा नहीं, अंदर कोई करंट जाएगा नहीं तो इस पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, तो ये हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ ये 0 है तो इसको 0 मत कर देना, यहाँ तो करंट आ जा सकते हैं, क्लियर है ना। हाँ, तो VA- VB डिवाइडेड बाई 450 एंड इक्वल्स टू 0, क्लियर है। तो VA 0 है तो VA 0 रख दो, तो यहाँ से आ जाएगा -VI/100 प्लस VA 0 है तो ये भी -VB/450 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से मैं VI और VB में कनेक्शन आ जाएगा तो VB इक्वल्स टू आ जाएगा, VB इक्वल्स टू 450/100 × VI और नेगेटिव। बोलो, अरे कुछ नहीं किया मैंने, इसको उधर लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो VB/450 हो जाएगा और 450 को मैंने इधर भेज दिया था, ठीक है। ये पहली इक्वेशन आ गई। अब अपन क्या करते हैं, KCL लगाते हैं एट नोड बी, KCL एट
नोड बी। तो बी पे देखो तीन ब्रांच है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो सबसे पहले वी बी माइनस इस तरफ आओगे तो वी ए, और वी ए कितना है, जीरो है, चलो आगे रख लेंगे। रेजिस्टेंस कितना आया, 450 प्लस वी बी माइनस, नीचे आया तो जीरो, ग्राउंडेड है, जीरो डिवाइडेड बाय 100 किलो ओम, प्लस वी बी माइनस वी नॉट इस तरफ आओगे तो डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू जीरो। वी ए को भी जीरो रख दो तो यहाँ से आ जाएगा वी बी अपॉन 450 प्लस वी बी अपॉन 100 प्लस वी बी अपॉन 100 इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन 100। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखो सारे के अंदर, सभी के अंदर वी बी कॉमन है, तो मैं वी बी इक्वल्स टू, सॉरी वी बी कॉमन ले लेता हूँ। और यहाँ पे एल सी एम कितना ले सकते हैं अपन, 900 ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं 900, ठीक है। तो 450 है तो 900 लिया, तो आप ऊपर कितना आएगा 2, प्लस यहाँ से कितना आएगा 9, और यहाँ से भी कितना आएगा 9 इक्वल्स टू वी नोट अपॉन 100। तो ये से ये कैंसिल कर देते हैं, 9 और 9 18 और 2 20, तो वी बी इक्वल्स टू वी नोट अपॉन 20। बोलो ये क्वेश्चन आ गई सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अपन इजीली कंपेयर कर सकते हैं, दोनों वी बी हैं, तो या तो वी बी की वैल्यू यहाँ रख लो या यहाँ रख लो, एक ही बात है। तो यहाँ से अपने पास क्या कनेक्शन आ जाएगा, वी नोट अपॉन 20 इक्वल्स टू -450 अपॉन 100 इंटू वी आई, तो वी आई इस तरफ आ जाएगा और 20 उधर ले जाता हूँ, तो मैं -450 अपॉन 100 इंटू 20, सो दिस इज 5 एंड 9 -90, तो वी नॉट अपॉन वी आई कितना आ गया -90, तो गेन कितना आ गया -90 आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, तो आई डोंट थिंक देर विल बी एनी प्रॉब्लम, अगर फिर भी है तो आप बता देना। तो देखो मैंने सिर्फ क्या लगाया, सिर्फ कैसे लगाया, -90 आ गया है। अच्छा, और ये माइनस आना भी चाहिए था, क्योंकि देखो इनपुट कहाँ दे रहा हूँ मैं, नेगेटिव टर्मिनल पे दे रहा हूँ, तो ये एक्सपेक्टेड भी था कि भैया ये आने वाला ही है, ठीक है। ठीक है, तो अपना जो गेन निकाला था ये गेन हो गया, गेन की वैल्यू हो गई, काम खत्म, ठीक है। ठीक है, अब अपन आगे एक और क्वेश्चन जो है ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको करना है। इस बार मैं इसको हटा देता हूँ और इसकी जगह कितना लिख देता हूँ, आर लिख देता हूँ, कितना लिख देता हूँ आर, अननोन रेजिस्टेंस लिख देता हूँ। और सवाल में क्या है, इस बार गेन मैं आपको बता देता हूँ, गेन क्या कर देता हूँ मैं आपको बता देता हूँ, और आपको आर फाइंड आउट करना है, क्या करना है, आर फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन आप पहले करोगे ना, तो यहाँ पे आर तो अननोन है, और गेन जैसे गेन इज -5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, ठीक है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको खुद को करनी है और फिर डिस्कस करनी है, कमेंट के अंदर आंसर करना है। अब जनरली क्या होता है कि आप लोग करते तो हो नहीं, तो मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ यहीं तुरंत, लेकिन आपको खुद से एक बार, खुद से करनी है। यहाँ वीडियो को एक बार पॉज कर लो, एक बार खुद करके देख लो, है ना, खुद से नहीं होती है तो फिर देख लेना कंटिन्यू। और यार एक और रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके, जितने जिन लोगों के पास अवेलेबिलिटी है इंटरनेट की, वो ऑनलाइन देखा करो, है ना, वीडियो को, ठीक है, बजाय डाउनलोड पे लगाने के। आप एक बार पूरा देख लो ऑनलाइन, उसके बाद चाहे आप डाउनलोड पे लगा लो, ठीक है। लेकिन क्या कि आप 10 सेकंड का चलाने के बाद डाउनलोड कर देते हो, तो क्या होता है कि एल्गोरिथम वही रीड करती है कि ये तो 10 सेकंड चलाया, 1 घंटे का लेक्चर 10 सेकंड बच्चे ने चलाया, इसका मतलब क्या है कि जो लेक्चर है काम का नहीं है, क्योंकि उसको थोड़ी पता है कि बच्चे ने डाउनलोड पर लगा लिया, वो कंसिडर नहीं करता उस चीज़ को, वो ये देखता है कितना लाइव चला है। तो कम से कम आप एक बार तो कंप्लीट लाइव देखा करो, उसके बाद चाहे आप डाउनलोड पर लगा लो, ठीक है। और एक और चीज़, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे या 15 दिन बाद या 20 दिन बाद मैं ये वीडियोज़ डिलीट कर दूंगा या प्राइवेट कर दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपको जो है कंप्लीट वीडियो टिल एग्जाम मिलेंगी, कभी डिलीट नहीं होने वाली, ठीक है। दूसरा कि मैंने पहले भी कह दिया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ईएमटी और यू कैन सी ईडी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ये मेरे कोर सब्जेक्ट हैं, ये डेफिनेटली एग्जाम से पहले ख़त्म करवा दूंगा मैं, ठीक है ना, आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, मैं काम कर रहा हूँ लास्ट 15 डेज़ के अंदर जो है टॉपिक वाइज असाइनमेंट देना स्टार्ट कर देंगे। देखो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्वेश्चंस ढूंढने हैं मेरे को पहले, उसके बाद टाइप भी करवाने हैं,
तो लास्ट जो है मैं 15 डेज़ का टारगेट लेके चल रहा हूँ, मैंने काम स्टार्ट कर दिया है, तो 15 दिन के अंदर अंदर अपन टॉपिक वाइज असाइनमेंट प्रोवाइड करा देंगे विद फुल सॉल्यूशन। उसके अंदर प्रीवियस प्रॉब्लम्स भी होंगे और नई प्रॉब्लम्स भी होंगी जो रेफरेंस बुक्स वगैरह से हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा ऑलमोस्ट 3000+ प्रॉब्लम्स, सोल्ड प्रॉब्लम्स आपको प्रोवाइड कराने की, और ये सारी प्रॉब्लम्स अपन अपनी वेबसाइट पे जो है प्रोवाइड करा देंगे, और साथ के साथ ऑनलाइन टेस्ट में भी उन क्वेश्चंस को डाल देंगे, ठीक है। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कंटेंट की। अच्छा, एक और चीज़, और अगर आपको नोट्स की भी प्रॉब्लम आ रही है, तो देखो पहले तो 15 दिन में मैं यही काम करने वाला हूँ, असाइनमेंट्स का और ऑनलाइन टेस्ट का। उसके बाद अगर आप लोगों की डिमांड होगी सर हमें कॉन्टेंट चाहिए यानी कि नोट्स चाहिए, तो नोट्स में क्या है, फिलहाल जैसे मेरे स्टूडेंट के नोट्स हैं तो मैं उनमें कुछ एडिट करूँगा, ठीक है, वो मैं फिर टाइप करवा दूंगा, लेकिन वो तब होगा जब अगर आप इंटरेस्ट शो करते हो तो, क्योंकि उसमें भाई आपको पता है टाइपिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, क्योंकि साइंस के जो अपने फिजिकल इक्वेशंस होते हैं इनके जो टाइप करने वाला बंदा बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करता है ना, हिंदी इंग्लिश में तो कम चार्ज होता है। तो अगर बच्चे आप लोग इंटरेस्टेड रहोगे तो मैं वो करवा दूंगा, मतलब कंटेंट तैयार करवा दूंगा मैं, ठीक है ना। और यकीन मानिए जो अपने जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो एक 8000 या 10000 के अंदर जो पैकेज देते हैं उससे वो बेटर होगा, क्योंकि मैं पर्सनली लिखूंगा अच्छे से, एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आप उनको रिवाइज कर सकते हो ना, ठीक है। तो यहाँ पे अपन करते हैं, यहाँ पे अपने को गेन दे दिया है, आर निकालना है, कुछ नहीं करना, सेम कैलकुलेशन करनी एक बार नोट पे, यहाँ पे केसीएल लगाना है, एक बार यहाँ पे लगाना है, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे लगाता हूँ केसीएल एट ए, तो यहाँ पे ए पे लगाता हूँ, तो देखो अब मेरे को पता है वी ए 0 है, तो मैं 0 करके ही चल लेता हूँ ना, तो 0 -VI/100 +0 VA0 -VB/R। अब ध्यान रखना क्योंकि बाकी सारे किलो ओम के अंदर हैं, तो जो आर आएगा वो भी किस में आएगा, किलो ओम के अंदर ही आएगा, ठीक है। हाँ, =0, तो यहाँ से आ जाता है कि VI/100 -VI=VB/R। तो इस इक्वेशन के अंदर क्या है, दो वेरिएबल्स हैं, VB भी अननोन है और R भी अननोन है, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसके बाद मैं KCL लगा लेता हूँ, KCL नोट B, तो नोट B पे लगाओगे तो VB- ये कितना है, 0 0/R + VB- इधर नीचे भी 0 है, 0/100 VB-V0/100 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा VB, अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो होगा 1/R + 1/100, ये भी 1/100 आएगा, तो मैं इसको 2/100 कर लेता हूँ, ठीक है, =V0/100, बोलो, ठीक है। ठीक है, अब मैं VB की वैल्यू यहाँ से, VB की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, तो VB की वैल्यू कितनी है, बेसिकली -VI/R/100, यही है। अरे देखो -VI/100 आर इंटू में चला जाएगा वी बी, और बाकी एज इट इज रख दो, 1/R + 2/100 = nothing but V0/100, ठीक है। अब देखो इससे मैं आगे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ 100R, तो ये हो जाएगा -VI/R/100, और अगर आप 100R एलसीएम लेते हो तो यहाँ पे 100 आएगा और यहाँ पे R आएगा, तो 100+2R/100R = V0/100। तो इस 100 से ये 100 कैंसिल कर देते हैं अपन, तो यह जाएगा, अच्छा, और इस R से ये R कैंसिल कर देते हैं, तो यह जाएगा -VI/100+2R/100 = V0। आगे आप करोगे तो 100+2R/100 = -V0/VI, और V0/VI गेन आपको कितना दिया हुआ है, -5, तो V0/VI -5 है और एक और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 100+2R, और ये 100 जो है इनटू में आ जाएगा यहाँ, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया 500, 500 में से 100 उधर सब्सट्रैक्ट करोगे तो 400, और R = 200। यूनिट क्या होगी, किलो ओम, क्योंकि आपने सारे रेजिस्टेंस किस में लिए थे, किलो ओम के अंदर लिए थे, तो इसका आंसर कितना आ गया, आर कितना हो गया, 200 किलो ओम। मतलब अगर आर 200 किलो ओम होगा तो उसका गेन कितना हो जाएगा, -5, लेकिन देखो जब आर पिछले क्वेश्चन में कितना था, 450 किलो ओम था, तो गेन कितना आया था, -90 आया था ना, देखो कितना फ़र्क आ गया रेजिस्टेंस चेंज करने से। तो
ये हो गई अपनी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन और कुछ प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, जैसे डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, लॉगरिथमिक, एंटी लॉगरिथमिक। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने कुछ बेसिक प्रॉब्लम जो है डिस्कस कर ली हैं, और ये प्रॉब्लम बेसिक है, इसका मतलब ये नहीं एग्जाम में नहीं आती, एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं ऐसी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आप करना, और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं ओपीएमपी कहीं आप देख रहे हो तो वो मुझे सेंड करो, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन उनको कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, स्टे सेफ, टेक केयर।